वेलकम फ्रेंड, मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग जहांगीर के बारे में जानने वाले हैं। जहांगीर के बारे में हम लोगों ने बहुत कुछ सुन रखा है कि जहांगीर को जो अकबर के जो है पुत्र हैं, और इनको इनका जो बचपन का नाम सलीम है। और हम लोगों ने पहले भी बताया है कि ये जहांगीर एक ऐसा राजा था, ऐसा शासक था मुगल वंश का, जो यदि एक पेंटिंग में 10 लोगों ने काम किया है तो पहचान सकता है। मतलब इतनी इतनी परख थी जहांगीर के अंदर। वो स्वयं भी चित्रकार था वो भी। और जहांगीर का समय ही जो है कहा जाता है कि ये ऐसा जो है राजा था इसमें यहाँ पर यूरोपीय जो है चित्रकार या यूरोपीय पद्धति पर भी काम होते थे। और इसके जो समय को जो है स्वर्ण काल कहा गया, चित्रकला का स्वर्ण काल, जिसमें यूरोपीय एक बार जब अंग्रेज जब यहाँ पर आ गए थे तो उन्होंने उसकी जो कॉपी ऐसी बना दिया कि वो दूसरा कोई नहीं बना पाया। तो आज हम इनके बारे में जानने वाले, विस्तार से, और समझने वाले हैं कि क्या क्या चीजें हैं, इनमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो जहांगीर के समय को महत्वपूर्ण माना जाता है, कौन कौन से इंडियन आर्टिस्ट आते हैं, मतलब कौन कौन से कलाकार आते हैं, ये जानने वाले हैं। तो बचपन का नाम सलीम तो है, लेकिन सलीम के अलावा भी जो है इनको शंखो बाबा भी कहा जाता है। शंखो बाबा, यस। तो इसे याद रखिएगा, शंखो बाबा कहा जाता है। जहांगीर के समय में लैंडस्केप जो है सर्वाधिक बनाए गए हैं। मतलब मुगल वंश में ऐसा शासक जिसके समय में सर्वाधिक सबसे ज्यादा लैंडस्केप बनाए गए हैं। एंड जहांगीर के समय में जो है चित्र जो है काल्पनिक रहे हैं, अर्थात कल्पनाओं से भरे हुए हैं। मतलब उन्होंने कल्पना करके बनाया है, तो ये चीज है, ध्यान दीजिएगा। एंड जहांगीर के समय में देखा जाए तो अलंकरण का काम ज्यादा हुआ है, तो ये भी पॉइंट्स है जिसको आप ध्यान दीजिएगा। एंड यहाँ इसके जो गुरु थे, मतलब जहांगीर के गुरु जो है अब्दुल रहीम खान खाना थे, जो विशेष थे। एंड इनके समय में, राजा के जो जहांगीर के समय में, दो चित्रकार को विशेष महत्व करता था। मतलब विशेष उनको उसका लगाव था, क्योंकि ये दोनों कलाकार जो है उसके लिए काफी सर्वश्रेष्ठ थे। वो काफी ज्यादा जो है बेहतर काम करते थे। तो अब्दुल हसन और मंसूर दो कलाकार हैं। अब्दुल हसन जो है एक जहांगीर का सिंहासन का चित्र बनाया था, और उसके लिए उनको जो है एक पुरस्कार दिया गया है। उस समय भी पुरस्कार का जो प्रचलन काफी हुआ करता था, जो श्रेष्ठ काम किया करते थे तो उन कलाकारों को दिया जाता था। तो अब्दुल हसन को जो है पुरस्कार दिया जा चुका है, एंड यहाँ पर मंसूर को भी मिला हुआ है। तो दोनों ही इंडियन है। जैसे मंसूर को आप जानते हैं पक्षी कलाकारी के लिए, जबकि ये अब्दुल हसन जो है पक्षी कलाकारी, पशु कलाकारी और लैंडस्केप कलाकारी के लिए जो है ये चर्चित है। और अपनी कलाकृतियों के लिए, अपनी कल्पनाओं को, अपनी बेहतरीन कल्पनाशीलता के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं अब्दुल हसन जी। एक महल है जहांगीर के समय का जो सबसे ज्यादा चर्चित है, शीश महल चश्मे नूर। शीश महल चश्मे नूर जो अजमेर में है, ये आप ध्यान दे सकते हैं। एंड आगे है इसकी, अब जो जहांगीर के समय में कुछ चित्रकार हैं जिनको आप याद रखिएगा, जिसमें अब्दुल हैं, मंसूर हैं, आकारीजा हैं, नकाची कलाकार, फारूक बेग हैं, मनोहर हैं, जो शिकारी चित्रकला के लिए लोकप्रिय माने गए हैं, और कई ग्रंथों के चित्र भी बनाए हैं। विशन दास जी हैं, मोहम्मद मुराद जी हैं, नादिर है, गोवर्धन आदि कलाकार जो है कलाकार थे जो है इसके जहांगीर के समय, जो चर्चित कलाकार थे, जो सबसे बेहतरीन काम किया करते थे। इसके अलावा जो है इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि चार जो है यात्री आए हुए थे जहांगीर के समय में, जिनको कलाओं से ताल्लुकात के लिए, और खासतौर पर ये सर टॉमस रो और हॉकिंस थे, विलियम फ्रेंच थे, एंड एडवर्ड टैरी थे। ये यात्री थे जो जहांगीर के समय में आए हुए थे। जहांगीर का मतलब पूरे जहां को जीतने वाला, ऐसे कह सकते हैं। तो ये पॉइंट्स जो मैंने बताया आपको जहांगीर से संबंधित बताया, और जहांगीर का जो समय है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये थ्योरी मैंने आपके सामने पेश किया। तो उम्मीद करते हैं कि आपकी थ्योरी जो है बहुत अच्छी हो, और अच्छे से प्रिपरेशन करिए, अच्छे से अपने इन सबको नोट्स करिए, हो सके तो कोई मिस किए हो एक भी पॉइंट तो इसको दोबारा वीडियो को देख कर इसको कंप्लीट कीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट।